ऑल राइट गाइस, तो हम टेयर डाउन करने वाले हैं सोनी SRS XP23 का। तो अगर आप इसकी अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आप चेक कर सकते हैं एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप इसके अंदर का राज जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले इसकी जो स्पीकर ग्रिल है ये हमें निकालनी होगी। तो इसको निकालने से पहले सबसे पहले इसका स्ट्रैप हम निकाल देते हैं। तो स्पीकर ग्रिल निकल चुकी है एंड जैसा आप देख सकते हैं जो स्पीकर ग्रिल है टोटली प्लास्टिक बिल्ड है एंड प्लास्टिक के ऊपर फैब्रिक मटेरियल यूज़ किया गया है। तो अब इसका राइट एंड लेफ्ट पार्ट हम बाहर निकाल लेते हैं। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे स्क्रू दिया गया है। तो ये निकल गया इसका बॉटम पैनल एंड ये इसका टॉप पैनल। तो ये रहे इसके दोनों पैनल, इसमें इसके बेस रेडिएटर हैं एंड दोनों बेस रेडिएटर यहाँ पर पेस्टेड हैं। तो इसके सभी स्क्रू हमने पहले ही खोल लिए, तब इसका फ्रंट पैनल हम बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे इसका माइक्रोफोन पेस्टेड है एंड ये रहे इसके स्पीकर्स एंड स्पीकर्स के नीचे रबर पैडिंग दी गई है ताकि पानी वगैरह इसके अंदर ना जाए। तो यहाँ पर दोनों स्पीकर का कनेक्शन दिया गया है एंड यहाँ पर माइक्रोफोन का कनेक्शन है। तो सभी को हम निकाल देते हैं। तो ये निकल गया इसका माइक्रोफोन कनेक्शन। तो ये रहे इसके दोनों स्पीकर्स एंड यहाँ पे इसकी मदरबोर्ड है, यहाँ पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट है। तो उसको ओपन हम कर लेते हैं। तो उसको ओपन करने के लिए यहाँ पे दो स्क्रू दिए गए हैं। तो बाहर के दोनों स्क्रू हमने ओपन कर दिया। अब इसके अंदर की तरफ भी दो स्क्रू हैं, दोनों को हम ओपन कर लेते हैं। तो सभी स्क्रू हमने ओपन कर दिया, इसके बाद बाहर निकल जाएगा एंड यहाँ पर इसका IO का कनेक्शन है, इसको हम निकाल देते हैं पहले। तो ये रहे इसकी मदरबोर्ड एंड यहाँ पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट है। तो इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे तीन स्क्रू दिए गए हैं। तो तीनों स्क्रू हमने ओपन कर दिए, इसके बाद ये बाहर निकल जाएगी इस तरीके से एंड यहाँ पर इसका बैटरी का कनेक्शन है, इसको हम निकाल देते हैं। तो ये रही इसकी मदरबोर्ड एंड मदरबोर्ड में इसके सभी बटन्स दिए गए हैं। एंड ये है इसकी बैटरी एंड ये 2700 mAh की बैटरी है। ऑल राइट गाइस, तो मुझे आपको स्पीकर के अंदर का एक ओवरव्यू देना था एंड वो मैं आपको दे चुका हूँ। अब इसको फटाफट से हम क्लोज कर देते हैं एंड प्ले करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी बैटरी मैं वापस लगा देता हूँ। तो स्पीकर को कम्प्लीटली क्लोज करने से पहले एक बार हम ऑन करके चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ये ऑन हो रहा है। तो अगर आप इस स्पीकर का नेकेड बेस टेस्ट देखना चाहते हैं, इसके बेस रेडिएटर एंड स्पीकर्स को वाइब्रेट होता देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं।